आप सबका स्वागत आपके फेवरेट रिएक्शन चैनल में। और आज हम लेके आए तीतलपति सॉन्ग का रिएक्शन। एंड ये जो सॉन्ग है कल रिलीज हो गया था, लेकिन हमारा रिएक्शन आज काफी लेट हो गया है। बिकॉज एक तो ये आप पहले तो सोच रहे होंगे समरदीप किधर गई, तो वो अभी आउट ऑफ सेशन गई है। सो इस वजह से अभी जो हम वीडियो डाले प्री रिकॉर्डेड ही है। और मेनली चीज ये भी है कि मैं भी उस टाइम कल बहुत ज्यादा बिजी था, इसकी वजह से मेरे को टाइम नहीं मिल पाया। मुझे नोटिफिकेशन जरूर आई तो मेरे को था कि यार मेरे को देखना है इसको, लेकिन मिस कर गया। लेकिन जैसे ही आज टाइम मिला तो मैं फटाफट इसको देख रहा हूँ। और साथ में हम देखेंगे कितना जबरदस्त लगता है, थंबनेल बहुत कमाल का लग रहा है। एंड जो ट्विटर पे दो चार मेरे को मतलब लोगों के मैसेज आ रहे हैं और साथ में देखने को मिल रहा है, उससे तो यही लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा फायर सॉन्ग है। और ऊपर से इसको कंपोज थमन एस ने किया है, एस थमन ने किया है, तो हमें पता है कि उनकी कंपोजिशन कितनी कमाल की होती है। लाइक तमिल सिनेमा में तो यार देखा गया एस थमन हो गए, फिर अनिरुद्ध रविचंद्र हो गए, तो उनकी बहुत जबरदस्त होती है। एंड मेनली चीज ये भी है कि लाइक यहाँ पे वरिसु की बात तो चल रही है, पर साथ में हम देख रहे हैं थलोपति 67 की बात भी चालू हो चुकी है कि लाइक किस तरीके से वो आने वाली है और लोकेश कनगराज के साथ वो होने वाली। तो यार अभी लग रहा है नेक्स्ट ईयर पूरा थलोपति मीनिया ही चलने वाला है, तो वो हम एक्साइटेड रहेंगे। इवन थाला अजीत की भी जो है उनकी भी मूवी का भी 9 दिसंबर को शायद पहला सॉन्ग रिलीज होगा। तो सब चीज़ की अभी थोड़ा हम कह सकते हैं मूवियों की एक्साइटमेंट एक अलग से अब बढ़ने लग गई है। सो देखते हैं अब ये सॉन्ग कैसा होगा, तो आप भी देखो हम भी देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। Everything is burning. लिरिकल वीडियो है ना, ओ भाई नहीं है यार, कुछ सॉन्ग रिलीज कर दिया उन्होंने और थलोपति एंथम लग रहा है। Wow, man. ये डांस तो बढ़िया किया है। शायद मूवी में यही स्टाइल थलोपति खुद करें। थलोपति फैंस को एक और एंथम मिल गया भाई। Come on, please, थोड़ा डांस दिखा दो इनका। नहीं, ये नहीं है। यहीं पुरत सेंटर पड़ेगु मुल्ले रुक वरी ले। उठनेरंद कूट सब। वरी सुबह बहुत डिफरेंट डिफरेंट लुक है। फैंस को भी ले सकते थे, पूरा थलोपति एंथम वाला फील आता। अरे सिर्फ एंट्री दिखाया यार, ऐसा ये जा रहा है प्लेलिस्ट में भाई। आ गए एकदम यार,
मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कोई मास फाइट सीन में ये यूज होगा। जो एकदम स्वैग वाले फाइट सीन होते हैं ना थलापति, उसमें आएगा अ ट्रिब्यूट टू थलापति। वाओ, ये जो ट्रिब्यूट था ना फुल मास एंथम था। लाइक ऑफकोर्स के जो लिरिक्स से समझ नहीं आते, लेकिन जो एंथम की जो बीट थी ना, एंड बहुत ज़्यादा एक मतलब पंच भर दिया दिमाग के अंदर। और मेनली ये कि लाइक एक एक्साइटमेंट है, और मेनली हमेशा एक हुक टोन जरूर होनी चाहिए एक मूवी की ना, तो उससे कहीं ना कहीं आपको मूवी हमेशा याद रहती है। जैसे एवेंजर्स की आपको ट्यून याद होगी टा 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 टा, तो ऐसे ही हर एक मूवी की एक ट्यून होती है। बीस का भी आपने अगर वो इंट्रो सॉन्ग सुना होगा तो वो बहुत कमाल का था। इवन तो चलो बीस मूवी का लोगों को रिस्पांस मिक्स थे, पर ये था कि वो टोन और हर चीज़ ना बीस की याद रहती थी। और जैसे वो थलापति की एंट्री होती थी ना, बहुत मज़ा आता देखने में। तो वैसे ही कुछ मेरे ख्याल से यहाँ पे एक बहुत ही पंपी एक पूरी बीट रखी गई है और थी थलापति की, और ये मेरे ख्याल से फुल मूवी में रहने वाली है। इसके साथ उनके वो स्वैग वाले फाइट सीन्स होने वाले हैं। तो वो चीज़ जैसे हमने अगर हम लास्ट मूवी की बात करें बीस्ट की, तो हमें बहुत स्वैग वाले फाइट सीन देखने को मिलते हैं, मजा आया था, लेकिन स्टोरी में मेरे को थोड़ी कमी दिखी थी। यहाँ पे बस अगर वो स्टोरी को पिनअप कर लेना तो फाइट सीन में स्वैग तो वैसे ही थलापति ले ही आते हैं। एंड ये सॉन्ग में बहुत ज़्यादा फायर था, एक्चुअल में बहुत फायर था। हर एक चीज़ मतलब पूरी गाड़ी के नीचे से फायर निकल रही है। और इवन एसटीआर का डांस बहुत कमाल का था, बहुत ज़्यादा ही मज़ा आया देखने में। और फुल पावर पैक्ड एनर्जेटिक सॉन्ग था ये। अब देखेंगे इसमें जब थलापति का डांस हमें जब थिएटर में देखने को मिलता है तो अलग ही मज़ा आएगा। तो आप लोगों को एक ऐसा लगा कमेंट जरूर बताएगा। ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।